ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नूरपुर में 15 नवंबर 2020 को एक शाम डॉक्टर श्रवण सिंह की याद में कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का उद्घाटन बीबी जसपाल कौर पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद नूरपुर ने किया। मुख्य अतिथि रहे अमरीक सिंह लवली प्रबंधक फार्मा। अध्यक्षता डॉक्टर निशांत यादव प्रधानाचार्य ने की। प्रोग्राम के कन्वीनर रहे नूरपुर के उभरते हुए शायर गुरुचरण सिंह अजीज। हमारे मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी अमरीक सिंह लवली जी यहाँ पर मौजूद हैं। एक मिनट तशरीफ रखें। तो मुझे तो ये महसूस हो रहा है ये पूरा खानदान अदब नवाज है, साहित्यकार है, साहित्य प्रेमी। जोरदार ताली हो जाए क्योंकि मालूम हुआ कि वो भी पढ़ेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि महक गुलों को बहारों को ताजगी तो मिली, महक गुलों को बहारों को ताजगी तो मिली, तुम्हारे आने से महफिल को जिंदगी तो मिली। बुझी बुझी सी तबीयत थी कुछ दिनों से, मगर तुम्ही को देख के तहरीक शायरी तो मिली। आइए लवली जी साहब जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद अजय साहब जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य कवि कवित्री और बड़े शायर का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और जो उपस्थित श्रोतागण हैं उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो अपना कीमती वक्त देकर इस महफिल को खुशनुमा बनाया है। मुशायरे का और कवि सम्मेलन का सबसे खास बात है कि ये जात या धर्म नहीं देखती। यहाँ हिंदू भी है और मुसलमान भी और सिख भी है। आज की शाम मेरे परम पूज्य डॉक्टर श्रवण सिंह के नाम। जी 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 वाह वाह वाह। सबसे पहले मैं चार लाइन कविता के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगा। जी इरशाद। कि जब भी कमी खलती है आपकी, जब भी कमी खलती है आपकी, आपकी यादों से मुलाकात कर लेता हूँ। जब भी आपकी कमी खलती है मुझे आपकी यादों से मुलाकात कर लेता हूँ। अब आपसे मिलना मुमकिन कहाँ, अब आपसे मिलना मुमकिन कहाँ, इसलिए आपकी तस्वीर से बात कर लेता हूँ। इसलिए आपकी तस्वीर से बात कर लेता हूँ। भाई वाह लवली जी क्या कहने वाले, बहुत अच्छा है भाई। आपकी कमी खलती है मुझे, आपकी कमी खलती है मुझे, ये खाली पन तड़पाता है। आपकी कमी खलती है मुझे, ये खाली पन तड़पाता है। बस यूं ही यादें दिल में समेटे, बस वक्त गुजरता जाता है, बस वक्त गुजरता जाता है। वाह वाह वाह। और पता चलता है कि जिम्मेदारी का बोझ कितना भारी है, और पता चलता है कि जिम्मेदारी का बोझ कितना भारी है। खुद से ज्यादा अपनों की खुशियां प्यारी है, खुद से ज्यादा खुश अपनों की खुशियां प्यारी है। दौड़ाने पड़ते हैं कदम, दौड़ाने पड़ते हैं कदम, पकड़ने को जिंदगी की रफ्तार। आज गुजर रहा है और कल की तैयारी है, आज गुजर रहा है और कल की तैयारी है। यूं तो दुनिया के सारे गम में हंस के सह लेता हूँ, यूं तो दुनिया के सारे गम में हंस के ढो लेता हूँ, पर जब भी आपकी याद आती है मैं अक्सर रो देता हूँ, मैं अक्सर रो देता हूँ। मार मार के पत्थर, मार मार के पत्थर को एक जोरी हीरा बनाता है, मार मार के पत्थर को एक जोरी हीरा बनाता है। आपकी डांट का मतलब हमें आज समझ में आता है, हमें आज समझ में आता है। वाह 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 वाह। हर पल एहसास होता है, हर पल एहसास होता है कि आप यहीं हो जैसे। यार क्या कहने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है। आप यहीं हो जैसे, काश ये हो जाए मुमकिन, काश ये हो जाए मुमकिन, पर मुमकिन हो कैसे, पर मुमकिन हो कैसे। वाह वाह। आई मिस यू माई फादर, आई मिस यू अ लॉट। वाह वाह। मेरे फादर को ये सब जानते हैं जी, जी कि मेरे फादर को कविता लिखने का भी बहुत शौक था और पढ़ने का भी बहुत शौक था। जी जी, उनकी याद जरूरी थी। बिल्कुल, और उनकी बिल्कुल। कविता और मुशायरे की दीवानगी इस कदर है कि एक मैं किस्सा सुनाऊंगा छोटा सा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि वो पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम से पीड़ित थे, उस दौरान उस दिन कीमोथेरेपी हुई थी इनकी।
दिल्ली इस्लामिक सेंटर में एक मुशायरे का आयोजन किया, कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हमारे एजाज अंजुम साहब, हमारे आदरणीय मामा जी गुरचरण सिंह भी वहाँ आमंत्रित थे, हमें भी वहाँ इन्विटेशन आया। तो जिस दिन उनकी कीमोथेरेपी थी, घर आके मुझे बोलते हैं, बेटा वहाँ चलना है इस्लामिक लोधी रोड पर। तो मैंने कहा आपकी ये हालत, कह रहे कि नहीं मुझे चलना है। वहाँ पर गए और वहाँ अपनी प्रस्तुति पेश की और वहाँ उन्हें सम्मानित किया। इतनी दीवान की थी ये है, देखिए बहुत अदब से मोहब्बत, साहित्य से प्रेम। अगली कड़ी में कार्यक्रम को अगले जाते हुए हमारे बड़े सर लिखते हैं कि हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, कि हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा। यूं ही सोच के हमने थोड़ी सी बचा रखी है, हमने थोड़ी सी बचा रखी है, और जो हमने ये थोड़ी सी बचा रखी है, जब हमारे बैठे हुए ये शायर माइक पर आएंगे, मंच पर आएंगे, ये थोड़ी थोड़ी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। पद्म विभूषण श्री गोपाल दास नीरज जी आप सब शायर के लिए लिखते हैं कि कांपती लो, कि कांपती लो या शाही या धुआं या काजल, कि कांपती लो या शाही या धुआं या काजल, जिंदगी मेरी इन्हें गीत बनाने में कटी, जिंदगी मेरी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेदी इन्हें जल्द बनाने में कटी, जिंदगी वेदी इन्हें बनाने में कटी। और जैसा कि सब जानते हैं कि मैं दिल्ली रहता हूं और दिल्ली की बात ना हो तो मुशायरा या कवि अधूरी रहेगी जी। कि हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत की हर ओर, हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। क्या बात है, क्या बात है। कि हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर, हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। अभी जैसा कहते हैं ना कि दिल्ली की जो हवा है वो ठीक नहीं है, वहाँ हवा सांस नहीं ले पा रहे हम, हवा गैस चैम्बर बनी हुई है, जीने में तकलीफ हो रही है। तो मैं कविता के माध्यम से सब बैठे हुए सार को कहना चाहता हूँ कि हादसों की जद में है, कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कराना छोड़ दे, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कराना छोड़ दे। अगली पंक्ति पर सब हाथ खुले होने चाहिए और पता लगना चाहिए कि नूरपुर में भी कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन चल रहा है। जी, जी, जी। कि हादसों की जद में है कि तो क्या मुस्कराना छोड़ दे, और जल जलो के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे, कि जल जलो के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। और जो हवा में जो जहर घोलने का काम जो करता है वो करती है सियासत, राजनीति, सियासत और राजनीति। सही बात। और जो हवा में मोहब्बत घोलने का काम करती है कविता, मुशायरा। और मुझे आज खुशी है कि मैं मोहब्बत के पाले में खड़ा हूँ और आप जैसे शायरों के समक्ष खड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चार लाइन कविता के माध्यम से कि हिंदू धर्म से नफरत, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, और भारत की मस्जिद तोड़ो ये कुरान नहीं कहता, ये कुरान नहीं कहता। वाह वाह वाह। और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई धर्म नहीं होता, और पानी की कोई जात नहीं होती, रोटी की कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसान जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती, वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। और किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता हिंदू खतरे में है, और किसी को लगता मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता हिंदू खतरे में है और किसी को लगता मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे यारो, धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ, धन्यवाद। बहुत अपने अच्छे ख्यालात का इजहार किया अमरीश सिंह लवली जी ने।